दोस्तों आज की वीडियो में एक स्कैनर बनाने वाले हैं वीडियो में, और ये जो स्कैनर है इंट्राडे ट्रेडिंग में काम आएगा। और इस स्कैनर की डिमांड करी है 80% से ज़्यादा लोगों ने। वोटिंग के रिजल्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अब इस स्कैनर की ज़रूरत क्यों पड़ी भैया, क्यों चाहिए ये स्कैनर? ये दोस्तों स्कैनर इसलिए चाहिए क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में हमने एक इंट्राडे की स्ट्रैटेजी बताई थी। अब स्ट्रैटेजी इतनी पसंद आई कि 98% से ज़्यादा लोगों ने उसको लाइक करा स्ट्रैटेजी को। इतनी बखूब स्ट्रैटेजी थी और काफ़ी पसंद करा। अब वो चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी पता लग गई, हमें सब कुछ पता लग गया, अब 4000 से ज़्यादा स्टॉक है मार्केट के अंदर, कैसे फ़िल्टर करेंगे? ये जो सिनेरियो आपने बताया, पर्टिकुलर सिनेरियो कैसे फ़िल्टर होगा? तो वो ये स्कैनर आपको फ़िल्टर करके दे देगा विद इन सेकेंड्स के अंदर। क्लिक करेंगे, स्कैन करके आपको रियल टाइम पे एक्यूरेट डाटा के साथ आपको दे देगा। तो वो दोस्तों हम बताने वाले आज की वीडियो में। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने स्ट्रैटेजी बताई है जिसके लिए इस स्कैनर की बेसिकली ज़रूरत है, मेनली ज़रूरत है, वो हमने आई बटन पे लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक दे दिया है, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद स्कैनर देख लीजिए, या स्कैनर पहले देख लीजिए बाद में स्ट्रैटेजी देख लीजिए। स्कैनर बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। प्लस स्ट्रैटेजी क्या थी उसकी छोटी सी झलक भी इस वीडियो में दिखाऊंगा लाइव ट्रेड के साथ, वो लिया हुआ है मैंने करंटली, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और समझते हैं इन सारी चीज़ों को। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले मैं एक लाइव ट्रेड दिखाता हूँ जो उस स्ट्रेटजी के बिहाफ पे लिया गया है, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। पूरा उसका चार्ट में वॉच कराऊंगा आपको, देखिएगा ध्यान से। देखिए स्टॉक है एक PEL और ये मैंने ट्रेड लिया था मॉर्निंग में, और फिलहाल ये स्टॉक 270 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन 1.27% भाग चुका है जहाँ से मैंने ये ट्रेड लिया था। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा 270 रुपये कमा करके कोई तीर मारा है आपने? नहीं जी, कोई तीर नहीं मारा है, सिर्फ 12 क्वांटिटी ली है, एक्सपेरिमेंटल ट्रेड था, सिर्फ इसलिए क्वांटिटी काफ़ी कम ली है। लेकिन हमेशा आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पर 2000-3000 रुपये एक दिन में कमा के तीर नहीं लग जाता, कंसिस्टेंट पैसा बन रहा है, उसको कहते हैं तीर मारना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एकदम बड़ा पैसा बनाकर एकदम बड़ा पैसा खो देने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा बना करके कंसिस्टेंट बनाने में उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। चलिए अब PEL का स्टॉक है, लगभग 4% के आसपास ये स्टॉक भाग चुका है आज के दिन। भाई ऐसा क्या था, क्यों ट्रेड लिया, वो पूरा मैंने स्ट्रेटजी में बताया है, आई बटन पर लिंक है, देख लीजिए। फिर भी मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखा देता हूँ कि ये पर्टिकुलर ट्रेड क्यों लिया गया। और ये मैं चार्ट लगाता हूँ 15 मिनट का, जी 15 मिनट का चार्ट है। मॉर्निंग की कैंडल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी, ये मॉर्निंग की कैंडल है, और ये जो कॉन्सेप्ट था वो था ओपन इक्वल टू लो वाला, यानी जहाँ से मार्केट ओपन हुआ, देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ इस ग्रीन वाली कैंडल से, जो बड़ी ग्रीन वाली कैंडल है, इसका ओपन और लो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल एक है। मतलब जहाँ से स्टॉक ओपन हुआ वहाँ से स्टॉक गिरा ही नहीं, वहाँ से स्टॉक सीधा ऊपर गया है। और उस स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने बोला था कि जब भी ऐसा सिनेरियो बने तो 15 मिनट आपको वेट करना है। मैंने 15 मिनट की कैंडल तक वेट करा, उसके बाद जो कैंडल की क्लोजिंग है वो हाई के आसपास होनी चाहिए, यानी जो उसकी शेडो है, विग है, वो छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसकी शेडो विग देख लीजिए, बहुत छोटी है, बड़ी नहीं है। तो जैसे ही ये सिनेरियो बन जाए, इस कैंडल के हाई को ब्रेक होने का वेट करना है। ये अगर हाई ब्रेक हो जाता है इसका, फिर आपको ट्रेड के अंदर एंटर होना है। हाई के ब्रेक मतलब हाई के ऊपर आप अपने एक ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं, भाई जैसे आएगा प्राइस एग्जीक्यूट हो जाए। मैंने प्राइस लगा के छोड़ दिया, उसके बाद स्टॉक देख लीजिए, लगभग जितनी बड़ी ये कैंडल है उतनी बड़ी मूवमेंट ये दे चुका था। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो होता है 3 बजे के आसपास, 3:15 के आसपास मैं एग्जिट करना पसंद करता हूँ, तो उसके आसपास हम एग्जिट करेंगे। स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी लगा के छोड़ दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें, आप स्टॉप लॉस देख लीजिएगा, ऑर्डर देख लीजिएगा। तो देखिए मैंने एक ऑर्डर लगा दिया है PEL के ऊपर, स्टॉप लॉस ऑर्डर है। अगर ये जो आज का लो है, जो ओपन लो एकदम हमारा एग्जैक्ट था, अगर उसके नीचे आता है तब हमारा ये स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ये स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से समझ लीजिए, उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट, बहुत 10-15 स्टॉक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, अच्छे से समझ में आएगा आपको, आई बटन पर लिंक है, देख लीजिएगा।
एक स्टॉक और था जिसमें सिनेरियो मैच हो रहा था SBI में, लेकिन ये बेरिश वाला सिनेरियो था, लेकिन इसका ट्रिगर ही नहीं हुआ, ट्रेड ही ट्रिगर नहीं हुआ अभी, तो वो मैंने लगा के छोड़ा हुआ है, ट्रिगर होगा तो लेंगे। देखिए इसमें भी क्या था, रेड कैंडल थी, ओपन हाई सेम था, ये बेरिश वाला सिनेरियो था। यहाँ से हम ये कोशिश कर रहे थे कि अगर इसका लो टूटेगा तो मार्केट में एक नीचे की मूवमेंट आ सकती है, वो नहीं आई। तो देखिए बढ़िया रेड कैंडल थी, छोटी विक थी, लेकिन लो ही ब्रेक नहीं हुआ, ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मैंने वो लगा के छोड़ा हुआ ऑर्डर में इसके लो के नीचे, अगर वो आता तो एग्जीक्यूट हो जाता। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी थी जो लास्ट वाली वीडियो में बताई थी। अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर खास बात क्या है कि हमें सबसे पहले तो ये ढूंढना होता है कि कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिसका ओपन हाई सेम है और ओपन लो सेम है, जैसे पेल के केस में था, PEL के केस में था, उसका ओपन लो सेम था, SBI का ओपन हाई सेम था। फिल्टर कैसे करेंगे? आज जो मैंने स्टॉक ढूंढे ये SBI और PEL, ये भी मैंने सेम स्कैनर से ढूंढे हैं। अब वो स्कैनर क्या है, कैसे बनाएंगे, उसको समझ लेते हैं। देखिए स्कैनर बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ स्ट्रीक का। अब स्ट्रीक क्या है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए स्ट्रीक एक सेमी एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, साथ में आप इसमें टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, साथ में आप स्कैनर्स बना सकते हैं, बहुत एडवांस से लेकर बेसिक तक जो आप चाहे स्कैनर बना सकते हैं रियल मार्केट के अंदर। ये सारा काम आप स्ट्रीक पे कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम स्कैनर बनाना सिखाएंगे, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत कुछ हम स्ट्रीक के बारे में बता चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, एक प्लेलिस्ट भी मैं दे देता हूँ आपको। अगर स्ट्रीक के बारे में आप और कुछ सीखना चाहते तो एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको देखेंगे तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बैक टेस्टिंग वगैरह सब आपको दिखाई गई है। स्कैनर कैसे बना रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम कैसे जज करेंगे, 4000 स्टॉक्स हैं, ओपन हाई सेम है, ओपन लो सेम है, किसी स्टॉक का कैसे जजमेंट होगा वो देख लेते हैं। देखिए स्कैनर बनाने के लिए आपको आना पड़ेगा स्कैनर वाले, ये टेक्निकल्स वाला है, ये स्ट्रेटजीज वाला है, और ये दोस्तों सेक्शन है स्कैनर वाला। यहाँ पर दोस्तों आपको स्कैनर बनाना है। देखिए मैंने मॉर्निंग में बनाया था ओपन एंड लो सेम, जिसमें 75 स्टॉक्स मैच हुए थे। मैं फिलहाल आपको लाइव बनाना सिखा रहा हूँ कि लाइव कैसे बनाएंगे। चलिए अब इसका नाम रख लेते हैं, तो फिलहाल हम रख लेते हैं ओपन लो सेम, जहाँ से स्टॉक खुला वहाँ से सिर्फ ऊपर ही गया, नीचे ही नहीं गया। अगर ऐसा आपको स्कैन करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी नाम डाल लीजिए, मैं OPL डाल देता हूँ, यानी ओपन लो डाल देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। और ये जो स्कैनर है इसका टाइम फ्रेम, चार टाइप क्या रखना है वह रख लीजिए, टाइम फ्रेम क्या रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात किन स्टॉक्स में आपको सर्च करना है, जो निफ्टी 100 के 100 स्टॉक्स है उनमें आपको स्कैन करना है, या इसके अंदर मैक्सिमम जो दोस्तों ऑप्शन आता है वो निफ्टी 500 का आता है। ये 4000 स्टॉक्स में नहीं स्कैन करेगा, लेकिन निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स है वो मोर देन इनफ है आपके लिए, उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो मैं निफ्टी 500 में, यानी निफ्टी के जो 500 स्टॉक्स है उसमें ये स्कैन करके आपको बता देगा किस किस में आपको वो सिनेरियो बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम मैंने 1 डे का चुन लिया है, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशंस में आते हैं, भाई क्या कंडीशन है, क्या चीज़ स्कैन करना चाहते हो, तो बड़ा सिंपल है, हम इसको कह रहे हैं कि जो ओपन है, जो ओपन प्राइस है, देखिए ओपन प्राइस ऑफसेट जीरो मतलब करंट कैंडल, ओपन प्राइस जीरो इक्वल टू बिल्कुल बराबर, ठीक है जी। ओपन इक्वल होना चाहिए किसके, लो प्राइस के, बस बन गया स्कैनर, कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं। देखिए लो प्राइस हमने यहाँ लगा दिया, बिल्कुल ऑफसेट जीरो, डन, दैट्स इट। स्कैनर का नाम रख लीजिए जो भी है, एक बार बनाना है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद बना सकते हैं आप, ये क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना, ओपन इक्वल टू लो। आप चाहेंगे तो मैं स्कैनर शेयर भी कर दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा लिंक, आप क्लिक करेंगे, बना बनाया मैं दे देता हूँ आपको, ओपन लो वाला भी दे देता हूँ, ओपन हाई वाला भी दे देता हूँ, आप दोनों स्कैनर डायरेक्ट कॉपी कर लीजिए, बाकी बनाने में 1 सेकंड लगना है आपको, सेव एंड स्कैन करिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टॉक आ गए, ये 31 रिजल्ट्स हैं जिनका ओपन और लो बिल्कुल सेम है। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्कैनर में आप एक चीज़ का फ़ायदा और उठा लें। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, भाई उनकी कैंडल सही से नहीं बन रही, गैप आ रहा है, लिक्विडिटी नहीं है, ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं हो रही, ट्रेडिंग करने वाले ज़्यादा नहीं है, तो आप एक काम करिए वॉल्यूम को भी आप शॉर्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ये करा ना,
तो जितनी ज़्यादा वॉल्यूम वाले हैं वो स्टॉक पहले आ गए, जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है फिलहाल जो है सुजलोन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, फिर रिलायंस में है, फिर BDL में है। देखिए आज की खास बात, रिलायंस में भी यही सिनेरियो बना है जिसका ओपन लो सेम है। चलिए एक बार रिलायंस का मैं चार्ट दिखा देता हूँ कि रियलिटी में हुआ है ऐसा नहीं हुआ वो देख लेते हैं। रिलायंस ये लगा लिया है, जी हाँ देखिए रिलायंस के अंदर ओपन लो बिल्कुल सेम था, बढ़िया कैंडल बनी थी, हाई ब्रेक हुआ था, फिलहाल ऊपर भी गया था लेकिन ऊपर से थोड़ा सा नीचे करेक्ट हो गया। तो स्ट्रेटजी क्या थी, स्ट्रेटजी आप समझेंगे तो पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बेनिफिट है इसका क्या बेनिफिट नहीं है। आई बटन पे लिंक है वो देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये दोस्तों ओपन लो सेम था रिलायंस के अंदर, सुजलोन में देख लेते हैं। अब देखिए इसमें लिक्विडिटी नहीं है, ओपन लो तो सेम दिख रहा है आपको, एक कैंडल दिख रही है लेकिन देखिए इसमें लिक्विडिटी नहीं है स्टॉक के अंदर, तो ये लिक्विडिटी का कंसर्न है इसके अंदर। वॉल्यूम्स तो है लेकिन लिक्विडिटी का इशू है, तो इस तरह के अगर चार्ट दिख रहा हो तो उस पर ट्रेड नहीं लेना है आपको, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए और अब हम बना लेते हैं सेकेंड स्कैनर, मतलब अगर आपको ओपन हाई वाला सिनेरियो चाहिए तो वो कैसे लोगे, तो एक काम करते हैं इसी को फिलहाल एडिट कर लेते हैं एक बार, नहीं एक न्यू बना लेते हैं, क्रिएट न्यू स्कैनर बना लेते हैं। अब इसको हम लिखते हैं OP हाई लिख लेते हैं, OPH यानी ओपन हाई सेम, नाम आप कुछ भी रख लीजिए जो आप चाहे। जब मैं ये स्कैनर आपको शेयर करूँगा तो आप क्लिक करेंगे, आपको कॉपी करना पड़ेगा, आप स्ट्रीक पर आएंगे आपको कॉपी करना पड़ेगा स्कैनर। चलिए निफ्टी 500 के स्टॉक्स में हमें सर्च करना है, डे लगा लीजिए टाइम फ्रेम का क्योंकि करंट डे का ये कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पर हम लगाएंगे ओपन, ओपन प्राइस इक्वल टू, इक्वल का मतलब होता है बराबर, इक्वल टू होना चाहिए किसके, हाई के भाई, ओपन और हाई सेम है, मतलब जहाँ से स्टॉक ओपन हुआ वहाँ से सिर्फ नीचे ही गिरा, वहाँ से ऊपर गया ही नहीं, तो यानी वो वीकनेस शो कर रहा है। तो ये दोस्तों स्कैनर बन गया, और सेव एंड स्कैन कर देते हैं। ठीक है अब ये स्टॉक्स आ गए, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम्स को शॉर्ट कर देता हूँ, ज़्यादा वॉल्यूम वाले आप पहले आ जाएंगे। पहला स्टॉक आ गया SBIN, SBIN का चार्ट अभी आपको दिखाया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, दोबारा दिखा देता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये सिनेरियो कैसा बना है। SBIN ये देखिए ओपन और हाई बिल्कुल सेम है, वहाँ से स्टॉक नीचे गया लेकिन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये इस कैंडल का लो भी ब्रेक होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ स्ट्रेटजी देख लीजिए फिर स्कैनर आपके काम आएगा। और उसके बाद एक स्टॉक को देख लेते हैं BPCL, BPCL में क्या सिनेरियो बना है, ओपन हाई सेम है, जहाँ से स्टॉक खुला वहीं से नीचे गिरा है या नहीं गिरा, तो BPCL ये देख लीजिए BPCL भी वहीं से नीचे गिरा है जहाँ से खुला था लेकिन इसके अंदर भी लो ब्रेक नहीं करा कैंडल का, तो स्ट्रेटजी के हिसाब से सटीक नहीं बैठता, ट्रेड लेना नहीं बनता है, लो ब्रेक होना चाहिए। एक स्टॉक और देख लेते हैं IRB, एक स्टॉक देख लेते हैं Genstar Tech देख लेते हैं, Genstar Tech में क्या हुआ क्योंकि काफ़ी नीचे गिरा है स्टॉक ये Genstar Tech। अब Genstar Tech में देख लीजिए ओपन हाई सेम था, विग बड़ी है तो ट्रेड नहीं लेना था स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, बाकी आपको ओपन हाई सेम यहाँ पर दिख रहा है। तो स्ट्रीक ने निफ्टी 500 के 500 स्टॉक्स के अंदर आपको फिल्टर करके बता दिया एक सेकंड के अंदर किन किन स्टॉक्स के अंदर ये सिनेरियो बन रहा है, किन का ओपन लो सेम है किन का ओपन हाई सेम है। देखिए मार्केट में बहुत सारे स्कैनर है, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं पर्सनली स्ट्रीक यूज़ करता हूँ क्योंकि रियल टाइम में बहुत एक्यूरेट डाटा स्ट्रीक देता है और मुझे रियलिटी में बड़ा पसंद है। लेकिन स्ट्रीक पे ध्यान रखिए 7 डेज का फ्री ट्रायल होता है लेकिन उसके बाद ये पेड है, फ्री नहीं है, इसके सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो प्लान लेना चाहते हैं ले लीजिए, बहुत महंगे नहीं होते, सस्ते ही होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। बाकी 7 डे का फ्री ट्रायल है, कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं लगता है, 7 डे का फ्री ट्रायल यूज़ करिए, 7 डेज बाद आपको लगता है ये काम का है तो आप प्लान लीजिए, आपको लगता है काम का नहीं है मेरे कोई काम नहीं आएगा तो आप प्लान मत लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ये चीज़ काम आ रही है या नहीं आ रही।
बाकी आप इसमें स्कैनर, स्ट्रेटजीज, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारा काम आप एक ही प्लेटफॉर्म पे कर पाते हैं और बहुत एक्यूरेटली बहुत अच्छे से काम करते हैं, रियल टाइम पर ये वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों स्कैनर बनाना आपको आ गया है, स्ट्रेटजी हमने बता दी थी, अब दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ लग जाइए, डेमो ट्रेडिंग करिए, पेपर ट्रेड करिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है, और उम्मीद करता हूँ ये आपको बेनिफिट देगा। और जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।